देखो दोस्तों, नया साल आ चुका है एंड 2024 में आपने क्या किया, क्या सक्सेस चीजें करने का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इसी के साथ में बहुत सारे लोग होंगे कि भाई गेमिंग लैपटॉप लेंगे, तो यहाँ पे गाइस अगर गेमिंग लैपटॉप लेते हो तो बहुत सारी दिक्कतें भी आपको फेस करना होता है। स्पेशली गाइस एसर नाइट्रो जो हमारे पास है गाइस, इसके ऊपर भी जो ना मैं आपको चीजें मैं बताने वाला हूँ। अगर एक गेमिंग लैपटॉप लेते हो तो क्या कॉमन इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे वो आप देख लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस, जो एक बहुत बड़ा डाउट रहा था, जो मैंने भी जब ये लैपटॉप लिया था मुझे डाउट आया था कि भाई साहब जो भी गेमिंग के टूल्स रहते हैं, जो गेमिंग के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बेसिकली गेम जब हम इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि देखो गेमिंग लैपटॉप में आपको एक HDD ड्राइव मिलेगा यानी हार्ड डिस्क रहेगा, साथ में आपको SSD रहेगा। तो आप अगर SSD पे इंस्टॉल करते हो या फिर हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल करते हो तो मतलब क्या फायदा नुकसान होता है, राइट? तो यानी गेम लैग, FPS में डिक्रीज वगैरह, ऐसा कुछ डाउट होता है। तो क्योंकि मेरे वाला जो लैपटॉप है इसमें SSD है, साथ में एक इसमें जो है ना HDD भी है, 1TB का लगा हुआ है। तो इसको मैंने बराबर से टेस्ट किया, बहुत सारी चीजें किया, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं जो कि मेरा पर्सनल टेस्टेड एक्सपीरियंस है। तो अब डाउट आता है कि अगर आपके पास SSD एंड HDD है तो HDD पे गेम को इंस्टॉल करने पे क्या इश्यू होता है, क्या FPS वगैरह प्रॉब्लम होता है? देखो ऐसा कुछ इश्यू तो होता नहीं है, हालांकि आपको जो ना जब आप गेम को लोड करोगे ना, मतलब गेम जब स्टार्ट करोगे अगर SSD पे इंस्टॉल होता है तो आपको करीबन 10-15 सेकंड में हो जाएगा, अगर HDD पे यानी हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल है तो वो करीबन 30-35 सेकंड लगेगा, बस उतना ही डिफरेंस है। बाकी जो भी गेम प्ले होता है, जो भी FPS होता है, उसमें ज्यादा कुछ भी डिफरेंस 19-20 का फासला आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके पास में HDD है, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता आता है, ज्यादा हम ले भी सकते हैं, जैसे कि मेरे पास इसमें जो ना 512GB का SSD है, अगर उसमें मैं गेम लोड करते जाऊंगा तो भाई गेम का स्टोरेज की वजह से फुल हो जाएगा और बाकी टास्क मैं नहीं कर पाऊंगा। इसमें मैंने एक 1TB का HDD लगाया हूं जो कि कम प्राइस पे मिल जाता है, तो उस पर मैंने पूरा गेम इंस्टॉल करके अभी तक रन कर रहा हूं, कोई भी इशू नहीं आ रहा, एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो हाँ, आप आराम से हार्ड डिस्क के ऊपर में इंस्टॉल कर सकते हो। और एक बड़ी दिक्कत आती है जब भाई आप गेमिंग लैपटॉप लोगे, जैसा कि Acer, जो इसके कीबोर्ड्स रहेंगे ना वो थोड़ा अनॉय करेंगे, ये थोड़ा हार्ड कीबोर्ड आपको देखने को मिलते हैं, कभी कभी टाइपिंग में आपको मिस हो जाता है, और कभी कभी जो बेसिकली देखो जो नॉर्मल लैपटॉप्स वगैरह जो आते हैं ना उसके कीज बहुत ही अच्छा रहते हैं, गेमिंग लैपटॉप के भी बहुत स्ट्रांग रहते हैं, इसकी वजह से जो ना थोड़ा स्मूथनेस आपको नहीं आ पाएगा, जो कि मुझे लगा पिछले 2-3 हफ्ते से जो मैं यूज कर रहा हूं, तो ये आपको जरा ध्यान पे रखना होगा। नेक्स्ट ये आता है दोस्तों, बैटरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इसमें, बैकअप भाई साहब भूल जाओ, अभी जो है ना नया लैपटॉप लेके आ जाओ, 1-2-3 घंटा मिल जाए तो वैसे काफी है नॉर्मल यूसेज पे, अगर आप गेम खेल रहे हो तो भाई मतलब ना के बराबर समझ लो, गेम वगैरह तो बैटरी पे उतना खेल ही नहीं सकता, छोटे मोटे गेम है वही खेल पाओगे, बड़े अगर AAA टाइटल गेम खेलना होता है तो भाई आपको पावर कॉर्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करके ही आपको करना पड़ेगा। साथ ही में आपको जो है बड़ा सा ब्रिक कैरी करने का एक वजन हो जाता है, और लैपटॉप ऑफ कोर्स गाइस गेमिंग लैपटॉप जो है थोड़ा वजन वाला चीज होता है, जो कि एक बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, देखो मेरा जो लैपटॉप है ये 60 FPS यानी स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे चलता है, कोई भी चीजें मैं चला लूं, बट हाँ अगर इसको मैं आउटपुट लेता हूं HDMI के थ्रू, जो कि 144Hz का अगर मॉनिटर है, तो वहां हमें जो ना हाई FPS मिलता है। तो अगर आपके पास 144Hz वाला स्क्रीन लेते हो तो भाई बढ़िया रहता है, आप लैपटॉप के स्क्रीन पे ही गेमिंग कर पाओगे, एंड 60 FPS भी कोई बुरा बात नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी आपको दे देता है। हमने जो स्ट्रीम वगैरह करके देखा, गेमिंग चैनल भी चला रहे हैं जो कि हमारे मिल जाएगा आपको, सुमन इज लाइव पे नाम पे है, तो आप जाकर के देख लेना गेमिंग का एक्सपीरियंस वगैरह कैसे। मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंफर्माइजेशन अभी भी कर रहा हूं, वो सब चीजें मैं आपको सिखा दूंगा अगर आप कमेंट करोगे कुछ भी सवाल है उसके रिगार्डिंग, तो ठीक है। तो बेसिकली जो ना आपका काम चल जाएगा, बट हाँ आपको हाई FPS वगैरह लेना है तो एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट करके आप ले सकते हो, वरना अगर आप लैपटॉप ले रहे हो 120 या फिर 144Hz वाले अगर लेते हो तो भाई एक एडेड एडवांटेज मिलता है, वरना गेमिंग में उतना कुछ दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलता है। साथ ही में गाइस यहाँ पे जो है ना मैंने बात कर लिया कीबोर्ड और ये सब चीजों के बारे में, एक और इश्यू आ जाता है दोस्तों आपको हीटिंग, यानी जब भी आप गेमिंग लैपटॉप को यूज करोगे भाई साहब इसकी परफॉर्मेंस जो है ना बहुत ही तगड़ी लेवल, एडिटिंग वगैरह करोगे, गेमिंग वगैरह करोगे, तो भाई ये हीट होता है, बहुत ज्यादा हीट होता है भाई साहब, मुझे फील होता है गर्म एक कर देता है लैपटॉप को, बट हाँ कूलिंग फैन, डबल कूलिंग फैन मिलता है जो कि कूल भी कर लेता है, एंड उसी के साथ में आपको जो ना फैन वाला नॉइस भी सुनने को मिलता है। अगर मैं आपको सुनाऊं फैन का नॉइस जो करंट कंडीशन में है, देख रहे हो कुछ इस टाइप का आपको जो ना, तो देख रहे हो कुछ इस टाइप का आपको जो ना साउंड आपको सुनाई देगा, ये तो कम है बट आप गेमिंग करते रहोगे तो ये ज्यादा फैन स्पीड चलेगा भाई साहब, 66,000 स्पीड पे RPM पे स्पीड पे रैम घूमता है तो भाई साहब साउंड प्रोड्यूस करता है, तो आपको जो है वेट का दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा साउंड का दिक्कत हो जाएगा, वजन का दिक्कत हो जाएगा, बाकी गाइस परफॉर्मेंस के मामले में एकदम तगड़े लेवल का परफॉर्मेंस दे देगा कोई भी गेमिंग लैपटॉप। प्रोडक्टिविटी के लिए काम करना हो, आप जो है ना गेमिंग करना चाहो या फिर हाई लेवल एडिटिंग करना चाहो,
सब चीज मक्खन की तरह निकाल देगा। बाकी और कुछ भी सवाल है एसर नाइट्रो के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जो ना पर्सनली मैं आपको सब चीज टेस्ट करके बताने वाला हूं। भाई गाइस हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, इस साल का ये वीडियो मजेदार रहे और आपका साल भी मजेदार रहे। सब्सक्राइब कर देना गाइस, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है बहुत सारे क्रेजी वाले कंटेंट लाने के लिए। बाकी गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई एम श्योर कि आप भी एक गेमिंग लैपटॉप लो, लोगे कि नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तगड़े वाला सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके हमारी कम्युनिटी में जुड़ जाओ, ढेरों सारे चैनल हम चला रहे हैं, सब जाकर के चेकआउट करेंगे, मजा आने वाला है। एंड और भी कुछ कंटेंट सजेस्ट करना चाहते हो वो भी बता देना, वो भी हम बना देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड बाय बाय गाइस।